शहनाज कौरगिल हो रही हैं सोशल मीडिया पर ट्रेंड। उन्होंने बिग बॉस के अपने कई फेलो कंटेस्टेंट्स को पीछे छोड़ दिया है। कहां और क्यों हो रही हैं वो ट्रेंड मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड सीजन 6 जो होने वाला है 2020 का, उसके नॉमिनेशंस डिक्लेयर हो रहे हैं। कल फर्स्ट सेट ऑफ नॉमिनेशन कंप्लीट हो गए, यानी कि एंटरटेनर ऑफ द ईयर 2020 के लिए चार लोगों को नॉमिनेट किया गया है और ये चारों ही बिग बॉस के कंटेस्टेंट हैं। कल मैंने आपको बताया था कि शहनाज, हिमांशी और देवोलीना उसमें शामिल है। इसमें जो है आरती सिंह का नाम भी शामिल हो गया है। जी हाँ, यानी हिमांशी, शहनाज, देवोलीना और आरती, ये चारों ही इस सेम कैटेगरी के लिए नॉमिनेट हुए हैं। कल इन्होंने अपने सोशल मीडिया पर दो हैशटैग शेयर किए हिमांशी और शहनाज के लिए। IIA6 हिमांशी 2020 आदित्य खुराना, IIA6 शहनाज 2020 आदित्य खुराना, और लिखा फॉलो द पेज एंड लाइक एंड ट्वीट द गिवन हैशटैग। और उसके बाद जो है जिस तरह से शहनाज कौरगिल का जो हैशटैग है वो अब इंडिया में ट्रेंड कर रहा है, यानी कि उनको जो है उनके फैंस ने बहुत ही ज़्यादा रीट्वीट किया है इस हैशटैग को यूज़ करते हुए। और ये हैशटैग जो है इंडिया में ट्रेंड हो रहा है। किस नंबर पर ट्रेंड हो रहा है ये मैं आपको बताती हूँ। ये हैशटैग ट्रेंड हो रहा है 26 नंबर पर, और 5 घंटे पहले ये हैशटैग दूसरे नंबर पर रैंक हो रहा था, और ये पिछले 9 घंटे पहले से इस हैशटैग का ट्रेंड होना शुरू हुआ था। यानी जैसे ही डिक्लेयर हुआ उसके बाद से ही शहनाज कौर गिल के फैंस लग गए थे इसको ट्रेंड में लाने के लिए, और इस समय ये 26 नंबर पर ट्रेंड हो रहा है। 5 घंटे पहले इसकी हाईएस्ट रैंक थी 2nd नंबर, और अभी इसको 37.9K ट्वीट्स मिले हैं। तो कहीं ना कहीं एक बात तो साफ है कि शहनाज कौर गिल के फैंस जो हैं दिन रात लगे रहते हैं कुछ भी क्यों ना हो अपने शहनाज को सपोर्ट करने के लिए। और जैसे ही इसको डिक्लेयर किया गया तो सोशल मीडिया पर ये हैशटैग जो है ट्रेंड होने लग गया। चार लोग नॉमिनेटेड हैं, आपको क्या लगता है कि इन चारों में से किसको ये अवार्ड मिलना चाहिए, आप किसको सपोर्ट करते हैं कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। लेकिन कमेंट से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।